सर, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम हमारे Redmi Note 8 Pro में भाई डार्केस्ट OS का जो ऑफिशियल अपडेट जो आया है भाई, उसे कैसे फ्लैश कर सकते हैं। तो भाई ये वाला जो अपडेट है, ये आपको है Android 13 बिल्ड अपडेट। तो भाई इस वीडियो में हम देखेंगे Redmi Note 8 Pro डिवाइस में कैसे फ्लैश कर सकते हैं। भाई यहाँ पे मैं आ चुका हूँ डार्केस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और भाई यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे आपको ढेरों सारे फीचर्स जो है वो देखने मिल जाते हैं गाइस। पहला जो है वो स्मूथ हुआ है, कस्टमाइजेशन, पिक्सल एक्सपीरियंस और वीकली अपडेट्स यहाँ देखने मिल जाते हैं। तो गाइस इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि भाई हमारे जो डिवाइस के लिए जो ऑफिशियल जो बिल्ड है गाइस, ये वो अपने डिवाइस में कैसे फ्लैश करें। तो भाई अगर मैं कुछ हिस्ट्री का बात करूँ डार्केस्ट OS का, तो भाई आपको उससे इसका ऑप्टिमाइजेशन का पता लगेगा भाई कि डार्केस्ट जो था गाइस वो स्टार्ट हुआ था OnePlus प्रोजेक्ट के तौर पे। तो गाइस इससे अपने को ये पता चलता है कि भाई ये जो है आपको काफी ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस जो है देखने मिल जाता है। और गाइस क्योंकि ऑफिशियल भी है, तो भाई यहाँ पे आपको एक एडवांटेज और देखने मिल जाता है। पर यहाँ पे गाइस अगर मैं बात करूँ कि मैंने ये जो है ये कहाँ से लिया, तो भाई यहाँ पे मैंने टेलीग्राम ग्रुप से भाई ये वाला स्क्रीनशॉट देख लो भाई। और ये जो अपना जो डार्केस्ट का वर्जन है, ये गाइस का नाम है टैंगो, एंड्रॉइड 13 पे बिल्ड है। और गाइस ये वाला जो बिल्ड है गाइस, ये आपको गूगल ऐप में इंक्लूडेड आपको देखने मिल जाता है। आपको गूगल ऐप को अलग से फ्लैश करना नहीं पड़ेगा। और गाइस अगर मैं कुछ यहाँ पे चेंज लॉक की बात करूँ, तो गाइस ये वाला जो डार्केस्ट का चेंज लॉक है, ये वाला जो है ये बेसिकली सोर्स चेंज लॉक है गाइस, ये डिवाइस चेंज लॉक नहीं है। बट गाइस इससे आपको रफ आइडिया लग जाएगा गाइस कि आपको डिवाइस में क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे सुबर का जो सिक्योरिटी पैच है, जो कि गाइस लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है, वो यहाँ पे देखने मिल जाता है। और गाइस क्योंकि ये ऑफिशियल बिल्ड है, तो गाइस यहाँ पे आपको एक एडवांटेज जरूर से देखने मिलता है। अब गाइस यहाँ पे दूसरा जो है भाई, वो है कि क्यू स्टाइल्स लेआउट कस्टमाइजेशन जो है उसे भी ऐड कर दिया गया है। तो गाइस अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूँ, तो गाइस जब आप एंड्रॉयड वाला जो है, तो आप नोटिफिकेशन डाउन करके जो टाइल्स वाला जो देखते हो गाइस, जिसमें वाईफाई, मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ वगैरह जो रहता है, आप उसे भी इसमें कस्टमाइज कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आपको ये एक चीज देखने मिल जा रहा है। और गाइस आप बाकी सारे ही यहाँ पे आप देख लो भाई, और बाकी सारे आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो गाइस और भी अगर मैं यहाँ बात करूँ, तो भाई यहाँ पे जो है ग्राफिन कैमरा जो है वो अपने को देखने मिल जाता है। और गाइस इसमें जो है आपको एक अपडेटर भी देखने मिल रहा है गाइस, ऑल्दो वो वर्क नहीं कर रहा है, बट गाइस होपफुली वो फ्यूचर वर्जन के साथ वर्क करेगा। गाइस नेक्स्ट देखें, तो भाई यहाँ पे आपको और भी ढेरों सारे कस्टमाइजेशन, और यहाँ पे आप चेंज लॉग जो है पढ़ सकते हो। तो गाइस आप खुद से भी इसे पढ़ सकते हो, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई क्या क्या स्क्रीनशॉट्स है जो कि हमने डाउनलोड करे थे टेलीग्राम ग्रुप से। तो भाई कैसे अपना डार्केस्ट OS दिखता है, और भाई उसमें क्या 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 कौन सा कर्नल लगा हुआ है, कैसे स्क्रीनशॉट्स रहते हैं, भाई सब देखेंगे अभी आगे वीडियो में। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे ये आपको दिखा दूँ कि भाई हमने जो है कल पोल कराया था भाई, यहाँ पे आप देख लो। और इस ये पोल का जो गाइस रिजल्ट आया है भाई, वो था डार्केस्ट OS। हमने तीन कस्टम रॉम को रखा था भाई। पहला था डार्केस्ट OS एंड्रॉइड 13 जो कि एक ऑफिशियल बिल्ड है गाइस। दूसरा जो है भाई वो फ्यूजन OS का एंड्रॉइड 12 वर्जन है। और गाइस तीसरा जो था वो था एरो OS एंड्रॉइड 12.1 वाला। तो गाइस ये अभी पोल जो है 10 आवर्स हो चुके हैं, कंक्लूड होने वाला है भाई। तो अभी जो है आप देख लो कि भाई इसमें जो डार्केस्ट OS है, इसको 58% वोट मिले हैं। तो भाई यहाँ पे ये मैं बता दूं कि भाई ऐसे पोल्स जो है हम हर वीडियो रिलीज करने से पहले डाल दिया करते हैं गाइस। आप अपने फेवरेट कस्टम रॉम को 3 ऑप्शंस में से कोई भी एक कस्टम रॉम चूज कर सकते हो गाइस, उस पर मैं वीडियो अगले दिन ला दिया करूंगा। तो गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ भाई यहाँ स्क्रीनशॉट्स के साथ। और यहाँ पे गाइस देख लो, ये सारे ही स्क्रीनशॉट्स जो है ये मैंने डाउनलोड करे हैं भाई टेलीग्राम ग्रुप से। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई स्क्रीनशॉट्स। तो भाई यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखे थे स्क्रीनशॉट्स, तो देखते हैं भाई क्या क्या कैसे कैसे स्क्रीनशॉट्स देखने मिलते हैं। तो भाई यहाँ पे आप देख लो कि ये वाला जो है हमारा पहला स्क्रीनशॉट है। दूसरा तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो, ये जो कैमरा जो आपको दिख रहा है गाइस, ये वाला ये आपको ग्राफिन कैमरा देखने मिल जा रहा है। ओके अब गाइस ये जो है पिक्सल लॉन्चर का यूज कर रहा है। अब गाइस और देखते हैं भाई स्क्रीनशॉट्स। तो यहाँ पे आप देख लो कि ऐसा ऐप देखने मिल जा रहा है। तो गाइस मैं सारे ही स्क्रीनशॉट्स को यहाँ पे ऐड कर दूंगा गाइस, आप इसे देख लो। तो गाइस यहाँ पे एक चीज है कि भाई यहाँ पे अपना नोवा कर्नल जो है वो यूज किया जा रहा है, जो कि गाइस एक लेटेस्ट कर्नल है एंड्रॉइड 13 हमारे डिवाइस के लिए। देखते हैं भाई कि कैसे फ्लैश कर सकते हो, और भाई कहाँ से डाउनलोड करना है, और क्या क्या फाइल्स जो है वो रिक्वायर्ड होगा। तो गाइस ये थे कुछ स्क्रीनशॉट्स। तो गाइस अब देखते हैं कि भाई क्या क्या फाइल्स जो है वो अपने को चाहिए होगा। यहाँ पे आपको टोटल 3 फाइल, तो भाई पहला फाइल जो चाहिए भाई वो चाहिए डार्केस्ट कस्टम रॉम का जो फाइल है वो। इसके लिए गाइस आपको इस वाले वेबसाइट पे आ जाना है, और यहाँ पे गाइस आप देख लो कि भाई
यहाँ पे जो डर्क फेस्ट का 13 वाला जो है गाइस, आपको इस पे क्लिक करके डाउनलोड इसे कर लेना है। अब गाइस यहाँ पे भाई नीचे वाला फाइल मत डाउनलोड कर लेना, ये दोनों ही एंड्रॉइड 12 के लिए है। तो बाकी गाइस यहाँ पे आपको डर्क फेस्ट का एंड्रॉइड 13 का ऑफिशियल बिल्ड देखने मिल जा रहा है, तो आपको सिंपली गाइस इसे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो भाई मैंने डाउनलोड कर रखा है, मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा। तो गाइस दूसरा फाइल जो चाहिए गाइस भाई चाहिए वो आपको TWRP रिकवरी। तो भाई इस वीडियो के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ येलो वाला TWRP रिकवरी। आप कोई सा भी रिकवरी यूज़ कर सकते हो, यू आर फ्री टू यूज एनी अदर रिकवरी, देर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन। तो भाई इसमें मैं ये वाला डाउनलोड करने वाला, तो आपको भी इस वाले पेज पे आना है अगर आप सेम रिकवरी यूज़ करने वाले हो। तो भाई यहाँ पे आपको TWRP येलो वाला जो जिप है आपको इस पे क्लिक करके डाउनलोड यहाँ से कर लेना है। और भाई तीसरा फल जो चाहिए भाई वो चाहिए आपको यहाँ पे कॉन्वेयर ROSL प्लस TRK 3.1। अब गाइस मैं ये बता दूँ कि आपको ये वाला फाइल इसीलिए चाहिए ना भाई, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो है क्लैश करने वाला हूँ भाई एक कस्टम ब्लॉक से दूसरे कस्टम ब्लॉक पे। तो गाइस मैंने बताया था कि मैंने लास्ट वीडियो में जो है सुपीरियर ओएस को क्लैश करा था। तो भाई इस वीडियो में हम जो है डार्केस्ट ओएस के जो ऑफिशियल बिल्ड है उसे क्लैश करने वाले हैं। तो इसीलिए गाइस आपको चाहिए होगा भाई ये वाला फाइल। तो गाइस इन टोटल आपको चाहिए भाई टोटल 3 फाइल, ठीक है। तो पहला फाइल जो गाइस है वो डार्केस्ट ओएस का फाइल है वो, दूसरा फाइल जो है गाइस वो थीम्ड TWRP येलो रिकवरी जो है वो वाला, और अगर तीसरा फाइल जो चाहिए भाई वो चाहिए आपको फर्मवेयर ROSL प्लस DRP 3.1 वाला फाइल। तो गाइस ये 3 फाइल आपको डाउनलोड कर लेना है। और गाइस अब चलते हैं अपने फोन पे और देखते हैं भाई कंपन इस रॉम को वीडियो को देख कर। मैं आ चुका हूँ अपने फोन पे और भाई हमने जो लास्ट वीडियो में अपने सुपीरियर ओएस को फ्लैश करा था मैं अभी फिलहाल उसी पे हूँ। तो भाई यहाँ मैं चलूंगा अबाउट फोन में और यहाँ पे गाइस आप देख लो कि मैं हूँ सुपीरियर ओएस के 13 कम्युनिटी वर्जन पे। अब गाइस इस वीडियो में मैं बता दूं कौन कौन फ्लैश कर सकते हैं। तो भाई इस वीडियो में मैं जो है एक कस्टमर यानी कि सुपीरियर ओएस से दूसरे कस्टमर यानी कि डर्क फेस्ट ऑफिशियल वाले जो ओएस है उस पे फ्लैश करूंगा। तो गाइस जो भी कोई भी अगर आप किसी कस्टम रॉम पे हो तो भाई आप इस वीडियो को देख करके डर्क फेस्ट ओएस के ऑफिशियल वाले जो अपडेट है उस पे जा सकते हो। वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है कि यहाँ पे आ जाना है आपको अपने डिवाइस के बूट लोडर मोड में, सो दैट हम रिकवरी को जो है उसे फ्लैश कर पाए। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने डिवाइस के फास्ट बूट मोड में। अब भाई चलते हैं अपने PC पे और फ्लैश करते हैं गाइस रिकवरी को। गाइस मेक श्योर कि भाई आपका जो फोन है वो आपके PC के साथ कनेक्ट कर लेना है। अब गाइस चलते हैं अपने PC पे और देखते हैं भाई कि फ्लैश कैसे करेंगे। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने PC पे और भाई यहाँ पे मैं दिखा दूं कि मैंने तीनों फाइल जो है डाउनलोड कर लिया है। भाई यहाँ पहला फाइल जो है वो मैंने TWRP रिकवरी वाला, गाइस दूसरा फाइल जो था भाई वो था अपना कस्टम रॉम का, और गाइस तीसरा फाइल जो चाहिए भाई वो चाहिए फर्मवेयर ROSL प्लस बेगोनिया वाला। अब गाइस आप लोगों का क्वेश्चन ये हो रहा होगा कि भाई ये वाला फाइल क्यों चाहिए। तो भाई मैं बता दूं कि क्योंकि अगर आप एक कस्टम रॉम से दूसरे कस्टम रॉम पे जाते हो तो भाई आपको फर्मवेयर का जरूरत पड़ता है, क्योंकि गाइस मतलब अगर आप फर्मवेयर फ्लैश नहीं करोगे तो गाइस ये बूटअप ही नहीं होगा भाई। तो इसीलिए गाइस आपको ये वाला फाइल भी डाउनलोड कर लेना है याद से। अब गाइस अगर आप MIUI पे हो तो भाई आपको ये वाला फाइल जो है ये फ्लैश करने का जरूरत नहीं है। अगर आप MIUI पे नहीं हो तब भाई आपको ये दोनों ही फाइल मतलब रॉम और ये वाला फाइल भी आपको फ्लैश करना पड़ेगा। ओके तो गाइस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे हम फोन जो था वो हमने फास्ट बूट मोड में लेकर के रखा हुआ था। अब गाइस आपको TWRP रिकवरी है इसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो गाइस आपको इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और ये वाला जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो गाइस आपको कुछ ऐसा फोल्डर जो है बन करके आ जाएगा। अब गाइस आपको सिंपली इसे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे गाइस मैं दिखा दूं कि यहाँ पे फ्लैश BRP सबसे पहला वाला जो फाइल है फ्लैश BRP MIUI एंड्रॉइड 11 का, तो आपको इसे डबल क्लिक कर लेना है गाइस। तो जैसे आप इसे डबल क्लिक करोगे तो आपका जो TWRP रिकवरी है वो सक्सेसफुली फ्लैश हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ भाई यहाँ पे, हाँ देखो मैंने डबल क्लिक करा और भाई यहाँ पे जो TWRP रिकवरी है वो हमारे डिवाइस में फ्लैश हो चुका है और भाई हम TWRP रिकवरी में बूटअप भी हो चुके हैं। अब गाइस क्या करना है कि भाई अपने कस्टम रॉम और फर्मवेयर जो था उन दोनों को ही अपने Redmi Note 8 Pro में कॉपी कर लेना है। तो करते हैं भाई। तो गाइस यहाँ पे देख लो कि मेरा इंटरनल स्टोरेज जो है ये एक्सेस हो चुका है। अब गाइस जो है आपको ये दोनों फाइल को ही कॉपी यहाँ से उठा के यहाँ पे कॉपी कर लेना है। तो गाइज यहाँ पे जो है तीनों फाइल जो है भाई वो दोनों फाइल जो हमने कॉपी कर लिया है यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ। गाइज यहाँ पे मैं चलूंगा और यहाँ पे गाइज आप देख लो कि डर्क फेस्ट ओएस और फर्मवेयर हमने दोनों को ही कॉपी यहाँ पे कर लिया है। अब गाइज आपको क्या करना है भाई, आपको अपने PC से डिस्कनेक्ट कर देना है अपने फोन को और अपने फोन में आ जाना है भाई, और यहाँ पे सबसे पहले आपको माउंट कर लेना है भाई सिस्टम और वेंडर दोनों को ही। अब इसके बाद गाइज आपको यहाँ पे MTP को डिसेबल कर लेना है। अब गाइज होम बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे और भाई इसके बाद आ जाएंगे वाइप में, और यहाँ पे एडवांस वाइप में आ करके डायल
वेलविक सिस्टम वेंडर डेटा और कैच इन पांचों को सेलेक्ट करके वाइप कर लेना है। अब गाइस जैसे आप इसे वाइप कर लोगे आपको फिर से होम बटन प्रेस करके होम पे आ जाना है और यहाँ पे इंस्टॉल दबाना है भाई। और यहाँ पे सबसे पहले गाइस आपको ये फर्मवेयर वाला जो फाइल है इसे सेलेक्ट करके फ्लैश कर लेना है। अब गाइस आपको वापस से होम बटन प्रेस करना है, गाइस यहाँ पे आ जाना है इंस्टॉल में और गाइस अब जो है अपने कस्टम रॉम को सेलेक्ट करके फ्लैश कर लेना है। तो गाइस हमारा जो रॉम है वो यहाँ फ्लैश हो चुका है। अब गाइस अपने को गूगल ऐप्स जो है उसे फ्लैश नहीं करना है क्योंकि गाइस ये वाला जो वर्जन है ऑफिशियल वर्जन है और इसमें गाइस गूगल ऐप्स जो है वो पहले तो गूगल ऐप्स आपको देखने मिल जाता है। अब गाइस आपको सिंपली होम बटन प्रेस करना है, यहाँ पे आ जाना है एडवांस में और गाइस यहाँ पे डिजेबल फोर्स एनक्रिप्ट जो है आपको इसे सेलेक्ट करके फ्लैश कर लेना है। अब गाइस अगर आपको रूट करना है तो वापस से आपको एडवांस में आ जाना है, यहाँ पे इंस्टॉल मैजिक का एक ऑप्शन होगा आपको इसे भी सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको इंस्टॉल मैजिक सेलेक्ट करके फ्लैश कर लेना है। बट भाई मैं रूट नहीं करूंगा तो मैं ये वाला स्टेप जो है इसे स्किप कर दे रहा हूँ। अब गाइस आपको यहाँ पे आ जाना है वाइप में और यहाँ पे फॉर्मेट डेटा में YES टाइप कर लेना है और गाइस इसे टिक कर लेना है। अब गाइस आपको सिंपली रिबूट सिस्टम पे क्लिक कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे बूट एनिमेशन देख लो भाई। तो गाइस यहाँ पे जो है ये बूट अप हो चुका है। अब गाइस देखते हैं इसे सेटअप कैसे करें। तो गाइस यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे गाइस मैं इसे सेटअप ऑफलाइन कर ले रहा हूं। यहाँ पे नेक्स्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है गाइस। यहाँ पे आपको जो है अलाउ स्कैनिंग और सेंड यूजेस जो है दोनों को ही ऑफ कर लेना है गाइस और यहाँ पे मोर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब गाइस मैं यहाँ बता दूं कि आप सेटअप जो है उसे ऑनलाइन भी कर सकते हो, मैं इसे ऑफलाइन कर रहा हूँ भाई। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने डर्प फेस्ट ओएस में और भाई देखते हैं कैसा रहता है इसका स्मूथनेस। तो गाइस देखते हैं भाई इसमें FPS मीटर देखने मिलता है या नहीं। तो भाई FPS मीटर तो नहीं है। तो गाइस देखते हैं भाई कैसा रहता है स्मूथनेस और मैं अपना ओपिनियन दूंगा यहाँ पे। ओके गाइस तो UI जो है वो आपको स्मूथ देखने मिल जा रहा है भाई। UI आपको यहाँ पे स्मूथ देखने मिल जाता है। अब गाइस नोटिफिकेशन डाउन करके देखते हैं भाई स्मूथ रहता है या नहीं। ओके गाइस तो नोटिफिकेशन डाउन करने पे भी आपको स्मूथनेस देखने मिल रहा है। ओके गाइस तो इसमें आपको लैग देखने फिलहाल तक तो नहीं मिला है भाई। नोटिफिकेशन डाउन करने पे भी आपको स्मूथ एक्सपीरियंस देखने मिल रहा है भाई, स्मूथनेस देखने मिल रहा है भाई। ओके गाइस नोटिफिकेशन ऐसे देखते हैं भाई नोटिफिकेशन स्क्रॉल करके। ओके गाइस तो इसमें भी आपको स्मूथनेस देखने मिल जा रहा है। तो गाइस ओवरऑल जो है भाई UI आपको यहाँ पे स्मूथ देखने मिल जा रहा है। तो भाई UI में आपको जो है लैग का कोई भी इशू देखने नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे चलते हैं भाई अबाउट फर्मवेयर, मैं दिखाता हूँ भाई कि ये वाला डर्प फेस्ट का ऑफिशियल बिल्ड है जो गाइस यहाँ पे देख लो डर्प फेस्ट का टैंगो ऑफिशियल बिल्ड है। और गाइस यहाँ पे चेंज लॉग जो है आप जा करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे जो है भाई क्रेडिट जाता है अब्दुल 7852 को। और यहाँ पे गाइस जो कर्नल वर्जन यूज किया हुआ है भाई वो है नोवा कर्नल। तो चलो गाइस ये था अबाउट दिस रॉम कैसे फ्लैश करेंगे। तो गाइस अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ लो या फिर गाइस आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो भाई, वहां पे हम और डिटेल में डाउट सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भाई ऐसे ही हम लोग पोल्स जो है वो एवरीडे कंडक्ट कराते रहते हैं अपने कम्युनिटी सेक्शन पे। तो आप जो है उस पोल्स को अटेंड कर लेना और भाई बताना कि आपको कौन सा कस्टम रॉम फ्लैश करना है। तो गाइस जो उस पोल का रिजल्ट रहेगा वही अपन कस्टम रॉम फ्लैश करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर गाइस रिव्यू वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं रिव्यू वीडियो भी ला दूंगा। चलो टिल देन टेक केयर।